Yeah, friends. Hi, I'm Pawan Sharma, teacher of English class, English spring classes. If you all have faced any type of English problem, then please comment on my channels and please subscribe and ring the bell icon of my channels. That's all. Thanks, guys. क्या करना होगा? मॉडल मॉडल मीन्स क्या होता है हम लोग का नमूना या इकाई। इस मॉडल का हम लोग सिंटैक्स देखेंगे। सिंटैक्स मीन्स क्या होता है कि क्षेत्र। इसका सिंटैक्स होगा गाइस, सबसे पहले आपको आउट लिखोगे गाइस, आउट ऑफ क्या लिखेंगे, आउट ऑफ। इसके बाद गाइस कोई भी नाउन होगा गाइस, ओके, या गाइस कोई भी फीलिंग भी हो सकती है। फीलिंग मतलब गाइस कोई भी गाइस फीलिंग हो सकती है। उसके बाद गाइस एनी सेंटेंस, या भी कभी कभी इस कंडीशन होता है हम लोग इतना ही सेंटेंस बोलते हैं, आगे का सेंटेंस नहीं बोलते हैं, प्लस नाउन करके छोड़ देते हैं गाइस, ओके। इसका हम लोग ये भी कर सकते हैं कि पहले एनी सेंटेंस को हम लोग इस बना लें, एनी सेंटेंस को पहले हम लोग ट्रांसलेट कर लें, उसके बाद आउट ऑफ लिखें, आउट ऑफ प्लस नाउन या फीलिंग जो भी होगा इस हम लोग लिख लें, ओके। कोई प्रॉब्लम? देखिए सिम्पटम, सिम्पटम मीन्स होता है गाइस पहचान, इसी पहचान होगी गाइस नाउन के कारण या की वजह से या की मारे एनी सेंटेंस, ओके। प्रॉब्लम गाइस, एग्जाम्पल गाइस देखिए, जैसे प्यास के कारण वह मर गया, प्यास के कारण वो मर गया, आउट ऑफ। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करना है गाइस, आउट ऑफ। उसके बाद नाउन, नाउन हम लोग क्या है यार, फीलिंग गाइस हम लोग क्या है, प्यास थर्स्ट, आउट ऑफ थर्स्ट एनी सेंटेंस ना, तो वो मर गया, पास्ट इनडेफिनिट ही डाइड, आउट ऑफ थर्स्ट ही डाइड। ये भी बोल सकते हैं, पहले हम लोग एनी सेंटेंस ट्रांसलेट कर लें, वो मर गया ही डाइड, उसके बाद गेस आउट ऑफ थर्स्ट, आउट ऑफ थर्स्ट ही डाइड, या तो ही डाइड आउट ऑफ थर्स्ट, चलेंगे। गर्मी के मारे वे सब कोचिंग नहीं आ रहे हैं गाइस, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग गाइस, क्या लिखेंगे, वे सब कोचिंग नहीं आ रहे हैं। हम लोग पहले ट्रांसलेट कर लेते हैं नहीं सेंटेंस को, दे आर नॉट, या तो दे अरंट, दे अरंट कमिंग कोचिंग आउट ऑफ समर या हॉटनेस, ओके, दे आर नॉट कमिंग कोचिंग आउट ऑफ शम।